हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। आज के इस वीडियो में हम विटामिन डी3 के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। विटामिन डी3 का मेन सोर्स सनलाइट है। हमारे स्किन के नीचे के लेयर में 7-dihydrocholesterol नाम का एक केमिकल होता है। जब सनलाइट से यूवी रे स्किन के ऊपर पड़ती है तो ये 7-dihydrocholesterol कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये ब्लड में जाता है, फिर सब्सिक्वेंटली लीवर में, किडनी में जाके वो विटामिन डी3 के स्वरूप में बनता है। ये विटामिन डी3 हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। विटामिन डी3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विटामिन डी3 हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हड्डियाँ बढ़ने के लिए, उनकी हाइट बढ़ने के लिए, दांत को ग्रो करने के लिए भी विटामिन डी3 बहुत ज़रूरी है। अगर ये विटामिन डी3 कम होगा तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, दांत भी बहुत लेट आएंगे और उसके बोन्स जो है वो बहुत ही ब्रिटल्स, मतलब जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं, या तो फिर बोन पूरे टेढ़े, पैर ऐसे टेढ़े हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम बच्चों में विटामिन डी3 की कमी की वजह से हो सकती है। हमें पता है कि बच्चों की जो हाइट है वो मैक्सिमम ग्रो 1 ईयर एज तक होती है। तो WHO के जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक किसी भी बच्चे में विटामिन डी3 की कमी न हो, इसलिए हम सारे बच्चों को बर्थ से लेके 1 ईयर की एज तक विटामिन डी3 का सप्लीमेंटेशन देते हैं। ये विटामिन डी3 सप्लीमेंटेशन सारे बच्चों को सेम डोज में दिया जाता है, चाहे बच्चा प्री टर्म हो या टर्म हो, हेल्दी हो या कोई भी बच्चा हो, पर हमें विटामिन डी3 सप्लीमेंटेशन बच्चे को देना ही है। ये विटामिन डी3 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली दिन में एक बार देना है। विटामिन डी3 के ड्रॉप्स अवेलेबल है जो 1 ml पर 800 यूनिट या 1 ml पर 400 यूनिट होते हैं। तो अगर 800 है तो आपको 0.5 ml दिन में एक बार देना है, और अगर 400 है तो 1 ml दिन में एक बार देना है। ये चीज आपको 1 ईयर की एज तक कंटिन्यू करनी ही है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में भी अगर विटामिन डी3 का लेवल कम है तो इसको हम ब्लड टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं। अगर विटामिन डी3 कम है तो उसमें बैक पेन होगा या तो फिर बॉडी पेन होगा, काफ़ी थकान महसूस होगी, ऐसे सारे सिम्टम्स एडल्ट्स को देखने में मिलते हैं। विटामिन, जैसे मैंने पहले बताया, विटामिन डी3 का मेन सोर्स सनलाइट ही है। फूड की अगर बात करें तो केवल फिश या फिश लीवर ऑयल में से ही हमें विटामिन डी3 मिलता है। कोई भी वेजिटेरियन खाने से विटामिन डी3 हमें नहीं मिलता है। तो जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक ऑफिस में रहते हैं या घर में ही रहते हैं, बाहर धूप में नहीं जाते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े हमेशा पहनते हैं, या तो फिर आप ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आ रही है, बादल छाए रहते हैं या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी हमें विटामिन डी3 की कमी हो सकती है। अगर आपको विटामिन डी3 की कमी है तो आपको विटामिन डी3 की सैशेट या तो फिर कैप्सूल के रूप में लेना पड़ सकता है। ये विटामिन डी3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट सैशेट या तो फिर कैप्सूल आपको वीकली वंस लेना है, और ऐसे लगातार 6 वीक्स तक लेना है। विटामिन डी3 के साथ साथ आपको कैल्शियम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम की भी कमी होगी तो फिर विटामिन डी3 बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कैल्शियम और विटामिन डी3 दोनों ही साथ में ही लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका विटामिन डी3 कम है, आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, या तो फिर बच्चों में बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके दांत लेट आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में विटामिन डी3 की कमी हो सकती है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए और उनके बताए मुजब ही आपको विटामिन डी3 लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें विटामिन डी3 के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।